अस्सलाम वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर व्यूअर को मिस्टर निज़ाम आलपेट चैनल की तरफ से सलाम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद एक नए वीडियो के साथ आज अल्लाह के फजल करम से रमज़ान का एक दहा कंप्लीट हो गया, जिसमें मेरा भी कंप्लीट हो गया उमर फारूक मस्जिद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए रमज़ान में तो काफ़ी पूरे रमज़ान तक इबादत करना है भाई, तो एक दहा तो कंप्लीट हो गया अल्लाह के फजल से। तो जिम पे भी रहना रहता है मेरे को, तो इंशाल्लाह देखिए अभी जिम पर हूँ मैं और आपके बीच भी हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे वीडियोस रात में भी यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। तो जो भी रात में होशियार है या मुनासिब है वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात का टाइम है, तो आप रात के 2-2:30 बजे तक भी मेरे सेटअप पर आकर देख सकते हैं। जो मेरे सेटअप का वीडियो है मैं आपको शो कर रहा हूँ, जिसमें बहुत प्यारी एक आगरा बर्बरी है, जो आगरा ब्रीड की बकरी है वो है। देखिए जो माशाल्लाह काफ़ी स्पॉट वाली है, आप देख सकते हैं, और खड़े कान हैं, एंटीना कान जो होने चाहिए आगरा ब्रीड में वो बराबर है। और पॉइंट्स देखिए आप चारों तरफ फैले हुए हैं, जो हिरन होती उस तरह की लग रही है भाई आपको। और मिराज भाई वो साइड से भी बता दीजिए, क्योंकि आगरा में जो नए हैं उनको बता दूँ जितने पॉइंट्स रहेंगे उतना इन लोगों का डिमांड रहेगा। देखिए बैक से भी कलर आ रहा है, मल्टी कलर में है ये पैचेस में। तो देखिए भाई बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत बकरी है। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको मैं कि ये हैदराबाद में सेट है, हैदराबाद में इन्वायरमेंट में सेट है, तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई कि जानवर लेने में। और आप दूसरे चैनल से भी ज़रिए में देख रहे हैं आगरा ब्रीड के बकरियां जो राजस्थान में शो रहे हैं वो 11-12 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्ट के साथ बता रहे हैं, फिर मज़ीद खर्चे भी हो जाएंगे उसको, और फिर आप ला के यहाँ सेट करना थोड़ा आसान नहीं होगा। वहाँ के चारे में, वहाँ के एनवायरनमेंट में और यहाँ के एनवायरनमेंट में फ़र्क होता है चारे में। तो जो नॉलेज जिसको नहीं है ज़्यादा, मैं उनसे रिकमेंड करूँगा कि आप सेट जानवर पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। तो ये देखिए ज़मीन से जो आगरा में क्वालिटी होना चाहिए बराबर है भाई। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मेरी कोशिश ये भी होती है कि मैं आपको वीडियो देखूँ तो हर कोई ख़रीद लेते, लेकिन कोई नॉलेज भी गेन कर लिए तो काफ़ी हो जाता है भाई। तो देखिए आप लोग ये नॉलेज में रखिए, जानवर जो होता है आगरा ब्रीड, खूबसूरती से इसकी पहचान होती है और ख़ूबसूरती से इसका डिमांड होता है, क्योंकि जितने पैचेस रहेंगे या धब्बे, इस धब्बों को पैचेस कहा जाता है, इसमें जितना ज़्यादा रहेगा कलर वगैरह उतना ज़्यादा डिमांड रहेगा। और इसके जो सिंगा हैं आपको खड़े दिखेंगे, और कान भी जो है 11 नंबर बताते हैं अगर दोनों कान खड़े रहे तो। और कान खड़े हुए देखिए इसके, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी एक होता है भाई, जो नए हैं शौकीन उनको मैं नॉलेज गेन कराऊं जो मेरे पास है। तो ये बकरी लोडेड बोलकर आई हुई है भाई मेरे पास, तो एक्सपेक्टेबल होगी क्योंकि मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा, लेकिन इसका दूध भी आपको निथार के बताऊँगा जो बता रहा है कि ये लोडेड है बोलकर। मेरे अंदाजे से 2.5 महीने की होना चाहिए ये। मिराज भी दूध निकाल दीजिए ज़रा। तो भाई देखिए इंशाल्लाह ये लोडेड होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो दूध का स्ट्रक्चर है आपको बताऊँ जो नए हैं, बिल्कुल देखिए कैसा हो गया। देखिए आप दूध नहीं रहा, चिकनापन और बिल्कुल एक कंडीशन होता है, ये देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दूध का, शायद आपको कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा। तो ये भी एक मायने रखता है बहुत, इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोडेड है। तो देखिए भाई दूध भी निथार दिया और दोनों छन दोनों आँचल चालू है, थनों को आँचल कहा जाता है भाई उर्दू में, तो थना चालू है और सेट जानवर है। इसका आस्किंग प्राइस 12,000 रुपये है भाई। तो जो भी आगरा का शॉप करना चाह रहे हैं, आगरा ब्रीड में रखना चाह रहे हैं जानवर, मैं उनसे रिकमेंड करूंगा, ये आपको सूटेबल रेट में अच्छी चीज़ है, आप ले सकते हैं। और ये बकरी जहाँ थी वहाँ नर पूरे आगरा के थे, तो ये आगरा से ही लोड होना चाहिए जो गाप बता रही है। तो चलिए इंशाल्लाह इसी तरह चैनल से बने रहिए, इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद जानकारी के साथ वीडियोज़ भेजता रहूँगा। तो फिर एक बार बताऊंगा, मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियो में जब बनाऊं तो आपको थोड़ी नॉलेज भी गेन हो जाए। चलिए अल्लाह हाफिज़।